वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्ग्राफर। सो गाइस, करेंटली iOS 18.1 का दो अपडेट चल रहा है। एक है आपका डेवलपर बीटा 6 और दूसरा है पब्लिक बीटा 3। एंड दोनों अपडेट को जो है मैं यहाँ पर टेस्ट आउट भी कर रहा हूँ। एंड इसके लिए मैंने रिव्यू वीडियो भी डाला है कि ये अपडेट जो बेसिकली कैसा है, इसको आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। लेकिन अब बात उठती है कि व्हाट नेक्स्ट। तो लुक गाइस, बीटा 6 का अपडेट चल रहा है एंड इस अपडेट में मेजर तौर पर जितने भी बग्स थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, उसको एड्रेस किया गया है। लेकिन एक छोटा सा बग अभी भी है, जैसे कि यहाँ पर जो अपना जो एप्लीकेशन है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब स्टूडियो खोल रहा था, तो यूट्यूब स्टूडियो खोलने के समय कीबोर्ड का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी है। जैसे कि आप देख सकते हो, एप्लीकेशन में खोल रहा हूँ यूट्यूब स्टूडियो, लेकिन कीबोर्ड जो बैकग्राउंड में आ रहा है, साथ ही साथ ब्लैक स्क्रीन भी आ जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम जो है आपको बीटा 6 में देखने मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर पब्लिक बीटा 3 में भी यहाँ पर मैंने बहुत सारे यूजर्स का कमेंट आया कि उनके डिवाइस में बैटरी लाइफ ठीक ठाक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर दोनों अपडेट में कुछ ना कुछ दिक्कत है यहाँ पर देखने को मिला है। एंड दिस गोस कि यहाँ पर शायद यहाँ पर अपकमिंग जो मंडे है, दैट इज 14th ऑफ अक्टूबर, शायद उस दिन आपको दो अपडेट अगेन आपको देखने मिले। एक है आपका बीटा 7 का, जो कि आपको ऑब्वियसली डेवलपर बीटा के लिए होगा, और आपके साथ साथ यहाँ पर पब्लिक बीटा 4 का भी अपडेट आ सकता है, क्योंकि मैंने दिखाया है आपको कि बग्स एंड इश्यूज आए हैं बैटरी लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है। तो एप्पल जो है बिफोर रिलीजिंग दी RC अपडेट, कोई ना कोई यहाँ पर डेवलपर बीटा के जरिए या फिर पब्लिक बीटा के जरिए जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस जरूर करेगा। एंड एज यू ऑल नो कि 28 ऑफ अक्टूबर को आपको ऑफिशियल रिलीज होगा, उसके पहले शायद 21 ऑफ अक्टूबर को शायद यहाँ पर RC का अपडेट दिया जाए। एंड उसके पहले बिफोर दैट इज अपकमिंग मंडे 14th ऑफ अक्टूबर आता है, एंड उसमें शायद यहाँ पर आपको दो अपडेट देखने मिलेगा। एक जैसे मैंने कहा कि पब्लिक बीटा 4 अपडेट और दूसरा है आपका डब्ल्यू बीटा 7 का अपडेट। एंड होपफुली कि इस टाइप का जो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला है, शायद इस टाइप का प्रॉब्लम एड्रेस हो जाए। एंड इफ आई टॉक अबाउट द न्यू फीचर्स, तो गाइस डब्ल्यू बीटा 6 और पब्लिक बीटा 3 के साथ एज सच कोई मेजर फीचर्स आया नहीं था। एक फीचर आया था कि कनेक्टिविटी का, यहाँ पर जो आपका सेक्शन है आपका कंट्रोल सेंटर में, इसमें अगर आप सैटेलाइट यूज करते हो तो सैटेलाइट का जो फीचर है वो एज ए सेपरेट टॉगल जो है अभी आप यहाँ पर कंट्रोल सेंटर का जो बाहर है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप ब्लूटूथ के लिए करते हो, जैसे कि आप वाईफाई के लिए और इंटरनेट के लिए करते हो सेपरेटली, कुछ इस तरीके से आपको वाईफाई के लिए, सॉरी यहाँ पर आपका सैटेलाइट जो है उसको भी कर पाओगे। तो एज सच कुछ नया मेजर फीचर्स तो आया नहीं है। एंड आई होप कि शायद बीटा 7 के साथ और यहाँ पर पब्लिक बीटा आपका 4 के साथ एज सच कोई मेजर फीचर्स आएगा भी नहीं। जितने भी फीचर्स आए हैं iOS 18.1 जैसे कि एप्पल इंटेलिजेंस का या फिर सीरी 2.0 का ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। एंड आई बिलीव अभी जो अपडेट आएगा वो काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट और यहाँ पर बग फिक्स के लिए आएगा, रदर एनी काइंड ऑफ चेंजेस। बट अगेन कोई भी अगर चेंजेस आएगा तो अपडेट में देखने को मिल ही जाएगा। बट आई बिलीव शायद एज सच को मेजर इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा, मेजर जो फीचर्स है वो शायद देखने को नहीं मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट द बग इंप्रूवमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द iOS 18.1। और मैं अगर बात करूँ क्या ये अपडेट जो आया है इसको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, तो लुक गाइस ये जो अपडेट आया है बीटा 6 का, ये पहले बीटा 5 की तुलना में डेफिनेटली इट्स इंप्रूवमेंट। साथ साथ जो पब्लिक बीटा 3 का भी जो अपडेट आया है वो भी पब्लिक बीटा 2 की तुलना में सही में इंप्रूव किया गया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ आपका परफॉर्मेंस एट द सेम टाइम बैटरी लाइफ कुछ यूजर्स को दिक्कत है, बट मोस्ट ऑफ द यूजर्स बैटरी लाइफ अच्छा हुआ है। एंड मेरे केस में भी अपना आईफोन 16 प्लस में बैटरी लाइफ अच्छा मिल रहा है और यहाँ पर आईफोन 15 में भी बैटरी लाइफ जो वो दोनों में अच्छा मिल रहा है। सो बैटरी लाइफ हैज इंप्रूव, साथ साथ एज आई सेड परफॉर्मेंस हैज ऑल्सो बीन इंप्रूव। पर मेगेन मैं आपको कहना चाहूंगा कि दोनों जो अपडेट है वो बीटा के फॉर्म पे, तो अगर आपका आईफोन जो है वारंटी में नहीं है या फिर अगर आपका आईफोन थोड़ा सा ओल्डर है तो मैं ये कहूंगा कि दोनों अपडेट को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। वेट फॉर यहाँ पर 21st ऑफ अक्टूबर, उस दिन आपको यहाँ पर जो RC का अपडेट है वो आ जाएगा एंड उस दिन आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि RC अपडेट और ऑफिशियल जो अपडेट होते हैं वो क्लोज टू सिमिलर होते हैं। तो उस अपडेट को यूज करते या फिर इंस्टॉल कर सकते हो रैदर देन इंस्टॉलिंग ऑल दिस बीटा या फिर पब्लिक बीटा अपडेट। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि पब्लिक बीटा 3 का जो अपडेट है और यहाँ पर डब्ल्यू बीटा 6 का जो अपडेट है, दोनों अपडेट का जो रिव्यू है वो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, सो यू कैन चेक इट आउट फॉर मोर डिटेल्स। सो आई होप ये वीडियो जो आपको पसंद आए, कोई भी चीज पूछना है, कोई भी क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। मैं मिलता हूँ और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।